जय सिया राम, हरिओम। थोड़ा सा लाइटर सब्जेक्ट लेके आया हूँ, लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी जबरदस्त है। हम जो कुछ भी बात करेंगे, आप खुद ही सोचते चलना कि आपको प्रतिक्रिया में क्या लिखना है। आप जो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर चुके हैं और जो करेंगे वो सब समझते चले जाना कि मैं जो बोल रहा हूँ उसमें तर्क है या फिर ऐसे बकवास है या फैक्ट्स हैं, समाज में चल रहा है, समाज बदल कैसे रहा है। अब देखिए, ये मतलब आइडियल जो महिलाएं किसी जमाने में हुआ करती थी, भूल जाइए उसको। जो आइडियल होती है वही चर्चा में होती है। आजकल चर्चा में ज्योति मौर्या, सीमा हैदर और अंजू नसरुल्ला, जो भी उसका। तो देखिए, एक बेसिक बात देखिए, आप सब सुनिए कि जैसे कि वो 72 हूरों का कॉन्सेप्ट है, वो ऐसी स्त्रियां मिलेंगी आपको जन्नत में जब आप अल्लाह के बताए रास्ते पे चलेंगे, तो अंशु ही मिलेगी। वो 140 पीटी हुई दीत होगी दैट होगी, वो तो छड़िए, वो आपके सिवा किसी भी दूसरे मर्द को उसने देखा तक नहीं होगा। क्या क्या बोलते हैं, अप्सराओं का कॉन्सेप्ट है, क्या है नहीं है, है ना। अंछुई कली गीतूत हैं है? और फिर मेरा मतलब है कि प्रेम जो शब्द है वो था कि जब आप बड़े होते हैं, किशोर होते हैं, क्रोमोजोम्स होता है, अपोजिट जो विपरीत लिंग है उसके प्रति आकर्षण होता है, और अब प्रेम में पड़ते हैं और फिर सब भूल जाते हैं, जो भी होता है जो भी। लेकिन अब ये जो तीन औरतें हैं, जैसे कि ज्योति मौर्या 2010 में शादी हुई, 2023 में कहानी सुनी, मतलब शादी के 10-12 साल हो गए, राइट। दो बच्चे, दो ट्वीन बेटियां हैं इसकी, है ना। तब उसको पति जो है नागवार गुजरा, बेकार लगा, सरा हुआ लगा, जूते की नोक जैसा लगा, टूटा हुआ शोल लगा उसको, जो भी लगा, चपरासी लगा और सफाई कर्मचारी लगा, उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, जो भी है वो SDM बन गई। और उसके जो है भारत की बात है, तो किसी पुलिस अफसर से उसका डिंग पैंग हो गया, अब उसके साथ संबंध बन गए, वो तलाक देना चाहती थी इसको, दोनों मिलके मारना चाहते थे। वो सारी कहानियाँ कई बार आपके सामने में आ चुकी हैं, लेकिन जो अभी मैं ये कह रहा हूँ कि शादी के 10 साल बाद ये सब कुछ निकल के आया, जबकि उसके दो बच्चे भी हैं। ये जो सीमा हैदर आई है चल के पाकिस्तान से, 4 बच्चों को लेके आई है, कहती हैं 2 बच्चे तो उसके अपने कोख से पैदा किए हैं, 2 बच्चे जो हैं उसके पति की पहली पत्नी से हैं, वहाँ तो 2-4 शादियाँ होती रहती हैं। अब इसके हिस्से में थी, वो दुबई में कमाता था, पैसे उसे देता था इसको, तो इसके भी शादी के 10-12 साल बाद इसको पता चला कि इसका पति तो निकम्मा है, बेकार है, नकारा है, खाली पैसे कमाता है, इसे प्रेम नहीं करता है, है ना। उसको पता नहीं वहाँ कोई दूसरी औरत रख ली हो, क्या रख ली हो, वो उसे मतलब वो पहले भी उसको छोड़ना चाहती थी, तलाक देना चाहती थी, बाप के कहने से उसके पास रह गई। और फिर उसने एक कोई घर बेचे, 10-12-15 लाख का इंजाम किया, वहाँ से नेपाल आई, नेपाल से फिर इंडिया आई, और ये सारा गला निठल्ला अपने से छोटा सा बच्चा जैसा जो लगता है सचिन मीणा से प्रेम हो गया पबजी खेलते हुए, यहाँ आ गई। सारी कहानी आपने सुनी। मोरल ऑफ स्टोरी क्या है कि छोरा जो है बच्चा है, और छोरी जो है 2 बच्चों की माँ है, 4 बच्चों की माँ है, और उम्र दराज है, और ज़िंदगी को देखी सुनी है, तो उसमें से कहीं से भी वो प्रेम का जो एक कॉन्सेप्ट आता रहता है कि लड़की बड़ी हो रही है, जो क्रोमोसोम अंदर का है वो बाल मार रहा है, वो स्त्री पुरुष का जो प्रेम है, जो विपरीत लिंग का आकर्षण होता है वो चल रहा है, उन्होंने किसी कॉलेज में प्रेम हो गया, किसी स्कूल में हो गया, चिट्ठी दे दी, किताब के अंदर गुलाब के फूल, वो ख़त्म। और ये अंजू क्रिश्चियन लेडी जो है भारत की, राजस्थान, वो तो वो उसके भी 2 बच्चे हैं, चले गए कोई नसरुल्ला के पास, फेसबुक से व्हाट्सएप पे जैसे वो तालुकात हुआ चले गए वहाँ, अब 1-to-1 हो गया है, एक वहाँ से आई तो एक यहाँ से गई, अब वहाँ पे जो अब टीवी मीडिया में जो है हेलीकॉप्टर से जैसे शूट किया हुआ उसके रोमांस, उसके प्री वेडिंग शूट, अरे प्री वेडिंग, वो बच्चे जो हैं जिसके बारे में वो जो मोबाइल से चीख रही है, चिल्ला रही है, जो अच्छा वो मीडिया से बच रही है, फिर मोबाइल पे मीडिया से बात भी कर रही है, पता नहीं कितना ऑथेंटिक है,
उसकी जो बेटी है फलाने जगह है, उसका जो है वो उसे प्रेम नहीं करती है, उसे उसका बनता नहीं है, बाप के साथ है, उसको अपने बच्चों की चिंता है, दिस इज दैट। वहाँ फिर उसने निकाह कर ली, फातिमा नाम रख लिया। वहाँ फिर अखबारों में देखता हूँ जो नेट पे जो खबरें हैं, कोर्ट में गई थी और अपनी मर्जी से उसने धर्म परिवर्तन किया है, और उन लोगों ने नहीं कहा। अरे पाकिस्तान जब बटा भारत के साथ तो वहाँ 23% थे गैर मुसलमान, आज कुछ लाख रह गए हैं, 1% से भी कम। तो जाहिर है कि वहाँ के जो हिंदुओं के घरों की बेटियों को नोचना, पटकना, खींचना, मारना, धर्म परिवर्तन कराना, 10, 11, 12, 13, 14, 15 साल जो भी हो पकड़ो, नोचो, काटो, पीटो, अपने धर्म में लाओ, वहाँ के अस्तित्व को ख़त्म करो, कर ही दिया। अब वहाँ पे ये चली गई है भारत से, वो दो बच्चे की माँ है, चार बच्चों की माँ है, जो भी है थोड़ा भी पानी है देह में तो उसको तो पिएंगे ना, नोचेंगे, खसोटेंगे, और उनका धर्म कहेगा कि किसी हिंदू के साथ भी सो लो और बच्चे पैदा कर लो, ये संभव है? तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह की जो स्त्रियाँ हैं, जो चाहे ज्योति मौर्या हो, चाहे वो सीमा हैदर हो, चाहे वो अंजू हो, आप इनकी बातों पे तभी विश्वास करते हैं जबकि आप ऐसे पुरुष होते हैं जिनके पास कोई चारा नहीं होता है, कोई रास्ता नहीं होता है, माइंड ब्लॉक होता है। अरे यार ऐसा कह रही है कि पाकिस्तान गई तो वो वापस आ जाएगी, वो तो दोस्त से मिलने चली गई है, दोस्त से मिलने चली गई है कि शरीर की भूख भी कहीं रही होगी, दिमाग के अंदर कोई परेशानी रही होगी उसे, उसके बाप ने कहा, जो कि बाप ने कहा कि मेंटली डिस्टर्ब थी, तो भैया मुबारक हो, मेंटली डिस्टर्ब थी तो यहाँ भी उसने मिट्टी पलीत की होगी। खैर उधर भी नहीं जाते हम, इन तीन महिलाओं की कहानी को आपके सामने मोरल ऑफ द स्टोरी बताते हैं कि ये चरित्रहीन स्त्रियां हैं, ये मैं कह रहा हूँ। मीडिया में इनको अगर पावरफुल दिखाया जा रहा है, नारी सशक्तिकरण का प्रतीक दिखाया जा रहा है, एक ऐसी स्त्री जो अपने बच्चों को, बच्चों के ऊपर थूक सकती है, घर वाले को जूते मार सकती है, परिवार को अंगूठा दिखा सकती है, बाप को लताड़ सकती है, आराम से जा सकती है किसी दूसरे पुरुष के साथ, तो वो कभी भी किसी पुरुष के साथ नहीं गई है। ये उसका अपना नैतिक पतन की पराकाष्ठा है जहाँ वो गई है, और उससे मतलब वैल्यूज की बात करना बेमानी है, बेकार है। अगर आप छोड़ सकें उसको, उसे दूर रह सकें, तो वही एक रास्ता है। सुख की कल्पना आप ऐसी स्त्रियों के साथ नहीं कर सकते। पाकिस्तान के कानून का तो पता नहीं, लेकिन अगर भारत में हैं और किसी भी स्थिति में हैं तो आप बलात्कारी हो जाएंगे, वाइफ बीटर तो तुरंत हो जाएंगे। जो जमीन जायदाद, जो तनख्वाह, नौकरी, जो है जितने अर्जा हुआ है, कमाया हुआ है, सब उसको देना पड़ेगा आपको। आधा तो अदालत कहेगी दे दो, बाकी समाज उत्कारेगा आपको। तो मोरल ऑफ द स्टोरी समझिए, ऐसी स्त्रियों की कहानी को उससे दूर रहने के लिए, उसे बचने के लिए, उसे अलग रहने के लिए लोगों को सुना सकते हैं कि अरे वो स्त्री ऐसी थी। मोबाइल का मतलब फ़ोन पर बात करना होता है, टीवी का प्रोग्राम देखना होता है, दोस्ती करके, क्योंकि भागना नहीं होता है, अपनी ठरक पूरी करनी नहीं होती है। क्या है ये जो सीमा हैदर आई सचिन मीना के साथ, ATS वालों ने उठा लिया, ठोका पीटा, क्या किया नहीं किया, कि तुम कानून के रास्ते से नहीं आई हो, तुम कहीं वहाँ की स्पाई तो नहीं हो, फिर छोड़ दिया, कुछ नहीं मिला होगा, ये मिला भी होगा तो भगवान जाने। और ये जो अंजू गई है पाकिस्तान, उसको कोई ATS ब्रिटिश वालों ने, वहाँ का पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसी वालों ने नहीं पकड़ा है, ध्यान रखा होगा, बोला भाई स्त्री ही तो है, कुछ भी हो, देह को लेके आई है ना, इसको कलमा पढ़ाओ, इसका इस्तेमाल करो, इसको मशीन बनाओ बच्चा जनने की, चलो करो जो काम है वो करो ना। एक स्त्री है जो मुसलमान नहीं थी, उसको मुसलमान बनाओ, उसके कोख से बच्चे पैदा करो, ऐस करो यार, क्या देखना। अगर वो वहाँ की स्पाई भी होगी, रॉक भी होगी, तो बच्चा उच्चा पैदा करके सब ठीक हो जाएगी, चलो इसको लगाओ, काम पे लगाओ, धंधे पे लगाओ, उसने उसको कब्जे में लिया और उसका काम शुरू कर दिया। भारत की तरह मीडिया पीट पिटाए हुए है, वो दिस हो सकती है, दैट हो सकती है, राष्ट्र के लिए खतरा हो सकती है, धमाका धमाका।
अरे पागल, पहले तो सचिन मीना को दो चार थप्पड़ मारते, फिर उसको कान में देते, उसको नौकरी उकड़ी देते, कहता चल इसको लेके आए, कुछ बच्चे पैदा कर, इसको एक दायरे में रख, इसको जगह पे रख, वहां से आई है, वहां से उसकी बात, इसके जो बच्चे हैं उसको वापस कर। मतलब देश पे बोझ क्यों बढ़ा रहे हो? और ये जो ज्योति मौर्या है भैया, उसका जो घर वाला है, जो भी वो भी मौर्या है, उसी का टाइटल इसने लिया हुआ है, अपनी आगे की देख, जिंदगी देख, वो नौकरी उकड़ी कर ली है, तेरे को लूटेगी नहीं, अब जाएगी कोर्ट में भी जाएगी तो कोर्ट के आंखों में इतना तो पानी होगा, आगे खुद SDM है, तो इसे क्या ये एल्यूमिनियम मांगेगी एक चपरासी और सफाई कर्मचारी से? तेरी जिंदगी सुरक्षित हो गई। चलिए भाई लोग, ये ज्योति मौर्या हो या सीमा हैदर हो या अंजुम हो, ऐसी स्त्रियों की पैदावार अचानक से बहुत बढ़ गई हैं, जो शादी के 10 साल बाद भी अपने बच्चों को लात मारती हैं, घर वाले को लात मारती हैं, परिवार को ठोकर मारती हैं और अपने रास्ते चल देती हैं। इसीलिए अगर पुरुष हैं तो किसी भी स्टेज में सुरक्षित नहीं है। सोच के, संभल के, अपनी आंखें खोल के जिंदा रहिए और रिश्तों को बैलेंस करके चलिए। जहाँ भी कहीं आपको लगा कि डिसिप्लिन की सीमा रेखा टूट रही है तो रिएक्ट कीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए। कल को जो कुछ बड़ा हो जाएगा आज ही हो जाने दीजिए, ठीक है? चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्रेम में रहिए, प्रेम कीजिए, प्रेम के प्रति समर्पित रहिए, लेकिन अगर धोखे की बू आए तो सावधान हो जाइए। देन एंड देयर, तुरंत उसी वक्त। जय सिया राम, हरिओम।